भोपाल से, भोपाल में पाटीदार समाज जन पहुंचे और नीमच मंदसौर से बड़ी संख्या में पाटीदार समाज जन पहुंचे जिन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की और इस मुलाकात में मनीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की मांग रखी। जी हां, पाटीदार समाज ने नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से 4 टिकट मांगे हैं जिनमें जावद, नीमच, मंदसौर और सुवासरा शामिल है। इन 4 क्षेत्रों में पाटीदार बाहुल्य बताया जाता है और इसी को लेकर पाटीदार समाज के लोगों ने एक बड़ी डिमांड पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने रखी। वहीं इस क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता और पाटीदार समाज के वरिष्ठ सत्यनारायण पाटीदार भी इस बैठक में मौजूद थे जो कि जावद से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले में पाटीदार समाज के साथ मिलकर अपनी दावेदारी भी कह सकते हैं कि उन्होंने पेश की है। और साथ ही पाटीदार समाज अगर जावद से कहीं नीमच जिले से कहीं अगर टिकट मांग रहा है तो वहां है सत्यनारायण पाटीदार का। सत्यनारायण पाटीदार चूंकि जावद से बड़े टिकट के दावेदार हैं लेकिन समंदर पटेल के कांग्रेस में आने के बाद उनकी दावेदारी कमजोर हुई है। ऐसे में अब पाटीदार कार्ड खेलकर वे आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इस पूरे मामले में बताया जाता है कि कमलनाथ ने 2 टूक कह दिया है कि जो सर्वे में आगे आएगा उसे ही टिकट मिलेगा। देखते रहे नीमच टुडे की खबर।